गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू वेबिनार सेशन ऑफ ऑल कर्नाटका स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वेबिनार में कुछ अच्छी बातें रिगार्डिंग टू द एग्जामिनेशंस डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपका स्कोर बढ़ाने के बारे में, आप अगर डिस्टिंक्शन हैं तो टॉप कैसे आ जाएंगे, अगर आप बिलो एवरेज हैं एवरेज कैसे आएंगे, अगर एवरेज हैं तो डिस्टिंक्शन कैसे आ जाएंगे। मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं सभी कर्नाटका के जितने स्टूडेंट्स हैं उनसे ऑनलाइन कुछ चंद बातें मैं शेयर करने जा रहा हूं। आज तक मेरा जो 12 साल का एक्सपीरियंस रहा, वो 12 साल के एक्सपीरियंस में मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ा, ऑफलाइन दिया, तो जिसमें आज मेरे को मौका है वेबिनार के थ्रू मैं बच्चों से कुछ डिस्कशंस करूंगा। तो वन बाय वन हम इसमें डिस्कस करेंगे, उसके अलावा भी हम कुछ हमारे कॉलेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर मुझे कॉन्टैक्ट करना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है और मेरा एक्सपीरियंस भी आपके सामने यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये जो स्टूडेंट्स हैं विजडम कॉलेज के एलुमिनी हैं, जिन्होंने मेरे सब्जेक्ट में 100 में से 100 यानी कि 70 out of 70, जिसको आप बखूबी जानते हैं कि 70+30, 70 मार्क्स थ्योरी के होते, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल, जिसको हम फाइनली बोलते 100 out of 100 मार्क्स। महरीन अमीन वन ऑफ द स्टूडेंट्स एलुमिनी हमारे पास के, जो 100 में से 100 ले चुके हैं। अगर आप भी अगर ज्वाइन करें विजडम तो आप में भी वो सलाहियत होंगी और आप 100 में से 100 लेने तक की कोशिश हम करेंगे। ये विजडम गर्ल्स कैंपस है, जो एक अच्छी तरीके से एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए बिल्डिंग आपको मिल जाएंगी, गर्ल्स कैंपस। और दूसरा है बॉयज़ कैंपस, अलहदा बॉयज़ कैंपस है। और ये इस साल का रिजल्ट्स आपके सामने शो कर रहा हूँ, जो एडमिटेड है डॉक्टर्स, ब्रिम्स में एडमिटेड है बच्चा है, ब्रिम्स बिदर, केबीएन बिदर, किम्स मैंगलोर, उसके बाद में ये एमआर एमसी गुलबर्गा, यहाँ पर ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं बच्चे एज इन एमएमबीएस में एडमिशन ले चुके हैं। आप में भी सलाहियत है, आप भी एडमिशन ले सकते हैं और रिपीट कर सकते हैं। हमारे पास रिपीटर के बैचेस स्टार्ट हैं। रिपीट क्यों करना चाहिए? देखिए, रिपीटर में आपको लास्ट ईयर से 3 सब्जेक्ट कम होते हैं। 3 सब्जेक्ट कैसा कम होते हैं? टेंशन कम होता, इंग्लिश नहीं रहता आपको, लैंग्वेज नहीं रहता, प्रैक्टिकल नहीं रहता। फिर अब इस साल जो आता है मैथ्स भी नहीं रहता, इस साल जो आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो 50% टेंशन आपका कम हो गया और आपको एक अलग रुझान से पढ़ सकते हैं हम। जो लास्ट ईयर हुआ प्रैक्टिकल भी पढ़ना है, उसका भी एग्जाम देना है, थ्योरी का भी एग्जाम देना है, फिर आपको नीट का एग्जाम देना है, यानी कि 3-3 एग्जाम आपको एक साथ आते थे, जिसके वजह से कुछ बच्चे जो एग्जाम में अचीवमेंट नहीं कर सके, उनको डरने की जरूरत नहीं है। विजडम आपके साथ खड़ा हुआ है नीट रिपीटर बैच लेकर, जो 3 साल से हर साल डॉक्टर्स बना रहे हैं रिपीटर बैच में भी, फ्रेशर बैच में भी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक ऐसा कॉलेज है जो कि पूरे कर्नाटक में नहीं है, जो 250 मार्क्स लिया हुआ बच्चा है उसको 400 मार्क्स कराए, यानी कि 150 बूस्टर्स मार्क्स आ रहे हैं उसके। अगर कोई 500 लिया तो 650 कर सकते हैं हम। तो इतना अच्छा कॉलेज पूरे कर्नाटक में आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे कर्नाटक में नंबर 1 कॉलेज हमारा चल रहा है। तो बिना सोचे आप रिपीटर बैच में ज्वाइन कर सकते हैं और एडमिशंस ले सकते हैं। ये आपको मालूम है, सो इस साल का जो पेपर है, इस साल का पेपर में क्या खासियत है, हर साल के पेपर में खासियत क्या है नहीं रहती, तो इस साल का पेपर क्या है, 140 मार्क्स का है। 140 मार्क्स में आपको सिर्फ 70 मार्क्स का लिखना है
और विथ चॉइस के साथ में 50 क्वेश्चन में आपको 27 क्वेश्चंस खाली सेलेक्ट करना है। इसीलिए इस साल अपॉर्चुनिटी हर एक बच्चे को कर्नाटका के डिस्टिंक्शंस लाने की ज़्यादा है या टॉपर होने की ज़्यादा होंगी, ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होंगा। तो उसके लिए मैं आपको टिप्स बताऊँगा, वो आप सुन लीजिए। अब जो बच्चा एवरेज है, बहुत ही बिलो एवरेज है, तो वो बच्चे डरने की ज़रूरत नहीं, उनको 21 मार्क्स के लिए पासिंग है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरे कर्नाटका के बच्चे एवरेज हैं, वो नहीं बता रहा कि लोवेस्ट लेवल कहाँ तक है उसका, लो लेवल कहाँ तक जाएगा, उन्हें 21 मार्क्स थ्योरी में लेना है, प्रैक्टिकल में आप उसके प्लस होंगे, वो मिला के कुल मिला के जो भी होंगे वो 50% अब हो जाएंगे। और आपका जो एग्ज़ाम है इस साल का 26 अप्रैल को है, टाइमिंग 10:15 AM टू 1:30 PM है, जिसमें आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद में 3 आवर्स लिखने के लिए दिया जाता है। 15 मिनट होने के बाद में 3 आवर्स आपको लिखेंगे, लिखने के बाद में पूरा कंप्लीट क्वेश्चन होने के बाद में क्वेश्चंस पेपर कितने क्वेश्चंस यूज हो गए, सॉरी क्वेश्चन पेपर में आप कितने पेपर्स यूज हो गए वो लिखना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर यूज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर यानी कि एडिशनल्स के भी यूज बोल के लिख के लास्ट में सेंड करके क्वेश्चन पेपर को क्या कर देना है, आंसर पेपर को आपको क्या कर देना है, फाइनली हैंड ओवर कर देना है आपके रूम सुपरवाइजर्स को। बिना क्वेश्चंस पेपर के आंसर पेपर के ऊपर कितने आंसर पेपर यूज हो गए ऐसा लिखना नहीं है, लिखना नहीं छोड़कर स्किप नहीं करना है, लिखना जरूरी है। तो हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है जिसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पहला पार्ट जो है फिजिकल केमिस्ट्री है, दूसरा पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तीसरा पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन पेपर में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी दिया हुआ है। पार्ट ए जो होता है, पार्ट ए जो होता है आपको फिजिकल केमिस्ट्री में से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, पार्ट बी में 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, पार्ट बी में 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और पार्ट सी में एक ही क्वेश्चन नहीं आएगा, और पार्ट डी में, पार्ट डी में 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिला के आपको कितने मार्क्स हो गए, 45 मार्क्स। वैसा ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पार्ट ए के है 3 मार्क्स क्वेश्चन, पार्ट बी 4 मार्क्स के क्वेश्चन, पार्ट सी 30 मार्क्स का क्वेश्चन, कुल मिला के 37 मार्क्स। नेक्स्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेक्स्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पार्ट ए में पूछेगा, पार्ट बी में 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे, पार्ट सी यहां पे नहीं पूछेगा, पार्ट डी 45 मार्क्स करेगा। सबसे ज्यादा वेटेज वाला ब्रांच केमिस्ट्री में का सब ब्रांच जिसको बोलेंगे आप, वो कितना है 45 मार्क्स का, कुल मिला के है 58 मार्क्स। फाइनली देखिए इधर से भी 140 मार्क्स हो रहे, आप इधर देखिए इसको मिलाए पार्ट ए को 15 मार्क्स, पार्ट बी 20 मार्क्स, पार्ट सी 30 मार्क्स, पार्ट डी में सब पार्ट जो आता है लास्ट वाला फिफ्थ वाला उसको भी मिलाकर 75 मार्क्स, और कुल मिला के आ गए आपको 140 मार्क्स। तो 140 मार्क्स से हमको लिखना कितने मार्क्स का है, सिर्फ और सिर्फ 70 मार्क्स। तो आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि 140 मार्क्स के क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ हमारे को आधा लिखना है 70 मार्क्स का। मैं तो यहां यह बोलना चाह रहा हूं सभी कर्नाटका के स्टूडेंट्स को कि फेल होना इम्पॉसिबल है, पास होना बहुत ही इजी है। ये क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको पता चलता है। तो यहां पर देखेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आएंगे आपको एग्जाम में, क्वेश्चन टाइप्स क्या है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आएंगे 15, जिसमें से लिखना है आपको सिर्फ 10। दूसरी बात, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 10, जिसमें से आपको लिखना है सिर्फ 5। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपको 10 क्वेश्चंस लिखेंगे आपके इसके अंदर सिर्फ 5। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपको 15, जिसमें से लिखना है आपको 7। यानी कि कुल मिला को आपको देखेंगे यहाँ पर 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपको एनुअल एग्जाम में, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना कितना करना है 27 क्वेश्चंस। वंस यू आर सेलेक्टेड 27 क्वेश्चन, इसका मतलब क्या निकालेंगे हम, 70 में से 70 लेंगे आप, यानी कि 70 आउट ऑफ 70। ओके, अब इसमें 70 आउट ऑफ 70 लेने के लिए आप क्या करना पड़ेगा,
तो मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ, वन बाय वन हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। जो बच्चा टॉपर आना चाह रहा है, 70 out of 70 आना चाह रहा है, उसके लिए टिप्स क्या क्या हैं, देखिए। ऐसे स्टूडेंट्स आपको एक भी क्वेश्चंस यानी कि 1 marks क्वेश्चंस में एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो ही आप क्वेश्चंस के आंसर सभी लिख सकेंगे। इज एन एवरेज, सभी बच्चे 2 marks, 3 marks, 5 marks लिखते हैं। जो 1 marks के क्वेश्चन 10 में से 10 अच्छा लिख सकता है, वही बच्चा 70 स्कोर कर सकता है। इसीलिए 1 marks के क्वेश्चन 15 हैं, 15 में से आपको 10 लिखना है, तो उसमें आप जरी भी मिस्टेक्स नहीं करेंगे, एक भी मिस्टेक्स नहीं करना। फिर छोटी छोटी चीज़ों में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करना है, कार्बोकैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, 2 marks के क्वेश्चंस में डेंसिटी का फार्मूला सही होना, उसके बाद में यूनिट्स लिखना, उसके बाद में जहाँ पे डायग्राम के नेसेसरी डायग्राम लिखना, ये छोटे छोटे चीज़ों में आपके मार्क्स कटते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर कोई 68 बच्चे लेने वाला मार्क्स है उन्हें 70 ले सकता है, या 70 वाला 68 ले सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, 68 वाला 70 ले सकता है। 70 वाला 68 लिया क्यों, उसकी वजह ये है, ये बताना चाह रहा हूं मैं कि 70 लेने वाला बच्चा यानी कि 68 लिया उन्हें ले सकता था 70, उसके पीछे का रीजन ये है कि 1 marks के क्वेश्चन जो आते हैं वो एक भी रॉन्ग नहीं होना है आपका। अगर एक भी रॉन्ग नहीं होना है तो हम पेपर आपका 2.5 hours में खत्म होता है ऐसे बच्चों का, तो ऐसे बच्चे आप क्या करेंगे, आधा घंटा क्वेश्चंस पेपर को रिवाइज करेंगे, कहां पर हमारी सिल्ली मिस्टेक्स हो गई है, कहां पे हमारे मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए वो देखेंगे। अगर आपके नजर में आते हैं तो आप 70 out of 70 ले सकते हैं। ओके, तो जो डिस्टिंक्शन वाले बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ टिप्स हैं कि उन्हों आप टॉप आ सकते हैं, 70 out of 70 ले सकते हैं, 85 जो मार्क्स ले रहे हैं, 85% जो आ रहा है उसके लिए भी टिप्स, खास टिप्स क्या है, वो 2 marks में ज़्यादातर गलतियां होते हैं, उनसे वो गलतियां नहीं करना चाहिए। 2 marks के क्वेश्चंस को आप अच्छे बारकाई से एकदम माइन्यूटली चेक करके उसमें जो भी आपको फाइल लिखना है फाइल लिखेंगे। अब यहाँ पर होता है क्या, जो बच्चा अच्छा बच्चा है वो 5 के बदले में 6 लिखता है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, 5 ही लिखना है आपको, क्योंकि इस साल का जो क्वेश्चन पेपर है हाफ लिखना है। इसका मतलब ये नहीं आता कि मेरे को 7 आते मैं 7 लिखता हूँ, ऐसा नहीं चलता है, 5 लिखना है, 5 ही लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे। तो ये आपको, और जो बिलो एवरेज हैं वो एवरेज कैसा लेंगे या उसके बाद में अच्छा स्कोरिंग कैसा करेंगे उसके लिए कुछ टिप्स हैं आपके पास, आपको कैसा स्कोर करेंगे वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो आज के वेबिनार के सेशन में आपको ये कंटेंट है, एक एक चैप्टर्स का कंटेंट यहाँ पे मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ये चैप्टर्स हैं, कुछ कंटेंट्स हैं, आपको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो पहला जो चैप्टर्स है जिसको सॉलिड स्टेट है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन फिक्स आता है, वो फिक्स क्वेश्चन वाला भी मैं आपको वेबिनार के सेशन में डिस्क्रिप्शन में लिखा है, वो भी आप देखेंगे। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस में एक खास बात बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, गिव एनी 2 difference बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमार्फस सॉलिड। बच्चे कैसा करते हैं, बच्चे में क्या मिस्टेक है, जो टॉप आने वाले बच्चे हैं उनको तो मालूम होगा, जो एवरेज बच्चे हैं उनको भी मालूम होना चाहिए। 2 का मतलब है उन्होंने क्या करते हैं, 1 और ये 2 हो गए ना सर, ऐसा नहीं है, ये मिस्टेक है आपकी, समझने के लिए मिस्टेक्स है। समझना क्या है हमारे को, 2 यानी के इसके 2 यानी के 192 इसके 192 इसके, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, आप 3 बाय ऐड करेंगे और उसमें अगर आपको एग्जाम के मोमेंट में नहीं आया तो 2 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, ये कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चों में कर सकते। अब ये नंबर ऑफ यूनिट सेल BCC FCC बॉडी सेंटर क्यूबिक निकालने के लिए आपको ये फार्मूले दे रखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इसके लिए आपको 2 marks होते हैं, 2 marks किस तरीके से आता है, आप ये फार्मूला लिखेंगे 1 marks यहाँ पे करेक्ट कैलकुलेशन करने के बाद में 1 marks यहाँ पर, तो इस तरीके से है, ये 1 by 1 into 1 यानी 1 by 1 1 फिर ये 1 1+1 करके क्या करें इसको 2 कर दे इसको। तो ये आपको यहाँ पे 3 questions हैं, 3 में से 1 एग्जाम में आएगा, फिर उसके बाद में आपको 2 marks मिलेंगे। आप जो फिक्स क्वेश्चन वाला पॉइंट चल रहा है, कैलकुलेट द पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, इसमें क्या क्या जरूरी है, और ये 3 marks के लिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा और वो ज्यादातर बार पूछा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, फिक्स एग्जाम में आता है। ऐसा कोई पी बोर्ड
से हमारे को कुछ इंटीमेशन नहीं है कि ये फिक्स आता है बोल के। तो बच्चों के कॉन्फिडेंस लाने के लिए हम यहाँ बोलते हैं कि ये फिक्स आता है क्वेश्चंस, बहुत बार आता है। कैसा आता है? ये तीनों में से एक पूछा जाता है। तो उसमें क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे, बीसीसी पूछा है एफसीसी लिखते हैं, एफसीसी पूछा है बॉडी सेंटर लिख देते हैं, या इसके अलावा जो भी आपको लगता है बच्चों के लिए, तो ये मिस्टेक्स है। तो उसके लिए आप क्या करना है, तो मिस्टेक्स ये एक होती है, और परसेंटेज उनको कंफर्म नहीं होता है, परसेंटेज कंफर्म नहीं करते हो। परसेंटेज अगर कंफर्म नहीं करेंगे आप, यानी कि जैसा कि आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि ये है सिंपल क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक लैटिस का 52 है, उन्होंने ये वाला परसेंटेज लिखेंगे 74, यानी कि क्या हुआ फेस सेंटर लिख दिया उन्होंने। तो ये ब्लंडर मिस्टेक्स आपको एग्जाम में होने के चांसेस हैं, इसीलिए ये क्वेश्चंस तीनों भी अच्छी तरीके से आप बाहर करेंगे और उसको लिखेंगे, जिससे आपको फायदा होगा और मिस्टेक्स नहीं होंगे। अब इसमें हम क्या लिखेंगे तो हमारे मार्क्स कट नहीं होते, स्कीम ऑफ वैल्यूएशंस क्या है उसका, तो यहां पे मैं बोलना चाह रहा हूं, ये वाला जो है ए इक्वल्स टू 4/2, ए की वैल्यू अगर आप यहां पे नहीं लिखेंगे तो आपको यहां पे एक मार्क्स कट होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये ए की वैल्यू लिखना जरूरी है। उसके बाद में इसका फार्मूला, पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला, ये वाला फार्मूला लिखना जरूरी है। अगर ये वाला फार्मूला आप नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे एक मार्क्स, तो एक मार्क्स वहाँ कटा, एक मार्क्स यहाँ कटा, दो मार्क्स कट जाते हैं आपको। सो 1+1 एंड फाइनली कैलकुलेट द आंसर्स, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी 74%, ये वैल्यू पुट करने के लिए और ये फाइनल आंसर निकालने के लिए एक मार्क्स होता है। तो ये इस तरीके से स्कीम ऑफ वैल्यूएशंस है। तो ये तीन मार्क्स इसको है, आपको फाइनली यहाँ से लिख के, यानी कि डायरेक्टली ये आंसर लिखना है हमारे को, ये आंसर लिख के डायरेक्टली आंसर निकाले तो मार्क्स नहीं मिलते। जैसा कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये लिखते यहाँ तक लिख देते और ये लिखते ही नहीं, वैल्यू पुट करते ही नहीं। कौन से वैल्यू पुट नहीं करते, 16/3 पाई आर क्यूब 2√2r³ इंटू 100%, ये वाला वैल्यू पुट करते ही नहीं है, दे लॉस वन मार्क्स। तो इसलिए आपको ये पैकिंग एफिशिएंसी में आपको मैं बताया कि कहाँ पे किसको मार्क्स कैसा है और लिखना ज़रूरी है या नहीं है। बाद बच्चे क्या करते हैं, सर ये एक मिस्टेक हो गई तो हमारे आधे मार्क्स काटो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर ये नहीं लिखेंगे तो एक मार्क्स कटेंगे, ये नहीं लिखेंगे तो एक मार्क्स कटेंगे, दैट्स इट। ये सभी पैकिंग एफिशिएंसी हैं आपको, ये थर्ड वाली पैकिंग एफिशिएंसी, लास्ट वाली बीसीसी, जिसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब, जिसका पैकिंग एफिशिएंसी वाला परसेंटेज आता है 68%, वो ही आना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज कर लेके अगर 74 लिखेंगे, वी लॉस द मार्क्स। सो नेक्स्ट आफ्टर दैट, गिव एनी टू डिफरेंस बिटवीन द स्क्वाटी एंड फ्रीक्वेंट डिफेक्ट, द सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर लाइक दैट, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बोला मैं आपको, अब दोबारा से नहीं बोलूंगा वो। नेक्स्ट वाला जो है यहाँ पे डेंसिटी, तो यहाँ पे इसका स्कीम ऑफ वैल्यूएशन कैसा होता है, देखिए यहाँ पर आपको डेंसिटी का फार्मूला लिखेंगे तो एक मार्क्स, उसके बाद में वैल्यू पुट करके आंसर्स निकालेंगे तो एक मार्क्स। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे, हाफ मार्क्स कट, डिड्यूस दी हाफ मार्क्स। अगर आप ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अगर नहीं लिखेंगे तो आधा मार्क्स आपका कट हुआ जाएगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा सजेशन देना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बहुत ही बिलो एवरेज वाला बच्चा है, देखिए मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि बिलो एवरेज वाला बच्चा है, सबके लिए नहीं, वो बच्चे क्या करना है, स्पीड में अगर उनको लिखने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए नहीं आ रहा, डरने की जरूरत नहीं है, वी पुट द फार्मूला ओनली, यू गॉट द वन मार्क्स, वी पुट द फार्मूला गॉट द वन मार्क्स, जस्ट फार्मूला लिखिए आप, आपको एक मार्क्स दिया जाएगा। बट इट इज सिंप्लीफाइड, अगर डेंसिटी निकालो बोला तो ये फार्मूला चलेगा, अगर एज लिमिट लिखा तो ये फार्मूला लिखे तो नहीं चलता ऐसा। अब ये क्वेश्चंस हैं कुछ पैरामैग्नेटिक, उसके आंसर्स या तो आपको आता है, विथ एग्जाम्पल अगर लिखेंगे तो इसके लिए वन मार्क्स, इसके लिए वन मार्क्स, एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो एक मार्क्स कट हो जाएगा। विथ एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसा पूछा है, देखो गिव एन एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो क्या होता है सर, एक मार्क्स कट होता है। क्वेश्चंस कैसा है वैसा, स्टेट हेनरीज लॉ, राइट इट्स मैथमेटिकल इक्वेशंस, मैथमेटिकल फॉर्म, तो मैथमेटिकल फॉर्म ये है, ये उसका स्टेटमेंट है। अगर आप ये लिखेंगे एक मार्क्स, इसके लिए एक मार्क्स, कभी कभार क्या होता है इसको वन मार्क्स में भी कन्वर्ट किया जाता है, जैसा कि स्टेट हेनरीज लॉ के बदले में राइट द हेनरीज स्टेटमेंट्स, सॉरी हेनरीज मैथमेटिकल फॉर्म, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये लिखेंगे और आपको हेनरीज कांस्टेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस सॉल्यूशन, वेयर कंप्लीट, अगर दो मास के लिए क्वेश्चन पूछा तो लिखेंगे आप उसको वैसा। उसके बाद में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि डिक्रीजेस विथ द टेम्परेचर, इंक्रीजेस विथ प्रेशर, ये लिखेंगे। रॉल्स लॉ लिखेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। और ये आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन का जो डिफरेंस है,
क्वेश्चंस कैसा पूछा, देखो टू यहाँ पे लिखे हुए पॉइंट्स कितने हैं, तीन, याद रहने दे, आपको तीनों भी याद करना है, दो आप उसको लिखेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है चैप्टर्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड द सेकेंड लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक हेनरीज लॉ स्टेटमेंट, यहाँ पर भी क्वेश्चन को चेंज हो सकता है कि राइट द स्टेटमेंट्स ऑफ द फैराडेज फर्स्ट लॉ, तो कल स्टेटमेंट लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड आई टी, ओके। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, क्वेश्चन कैसा आता है एस एच ई के ऊपर, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन वर्किंग, अगर कंस्ट्रक्शन वर्किंग नहीं पूछा, ओनली राइट द रिएक्शन इन एस एच ई, आप ये लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, दो मार्क्स क्वेश्चन, थ्री मार्क्स के लिए पूरा लिखेंगे कंस्ट्रक्शन वर्किंग और फाइनली द रिप्रेजेंटेशन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, वट वी द रिप्रेजेंटेशन, प्लैटिनम इन सॉलिड स्टेट, हाइड्रोजन गैस इन वन बार ब्रिज और एच प्लस एक्वेस वन मोलार सोल्यूशन एंड सो ऑन सो। तो अब यहाँ पर वर्किंग ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समझ में आ गया, डायग्राम्स में क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे वन मोलार HCl सॉल्यूशन या H2SO4 सॉल्यूशन, या आपको नहीं लिखना है H+, ये लिखेंगे तो काफ़ी है, ये नहीं लिख रहे, लिखना जरूरी है डायग्राम को, रिप्रेजेंटेशन करेक्ट होना, ये हाइड्रोजन गैस एट वन बार प्रेशर, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम कोटेड ऑन प्लैटिनम फॉइल, ये लिखना जरूरी है डायग्राम में, अगर आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे, तीन मार्क्स में अगर आया तो, दो मार्क्स में आया तो नहीं। इसके बाद में ये जो क्वेश्चन हैं देखेंगे आप, नर्व्स इक्वेशन है, कोलार्स लॉ है, उसके बाद में एनोडिक एंड कैथोडिक रिएक्शंस है, इसमें जनरल मिस्टेक्स कहाँ होते हैं वो बताना चाह रहा हूँ, इसमें तो बच्चे मिस्टेक्स करें जैसा नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक्स करते, ये बहट होने के वजह से जम्बल्ड क्वेश्चन हो जाते हैं, इन्हों क्या करते हैं कैथोड ऊपर एनोड नीचे, जीरो मार्क्स, कैथोड की रिएक्शन एनोड को लिखेंगे, एनोड की रिएक्शन कैथोड को लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलते, ये जम्बल्ड हो जाता है आपको एग्जाम में, पूरा एनोड पहले लिखने का बाद में लिख देते, कैथोड बाद में लिखने का पहले लिख देते, जहां पर आपको एक भी मार्क्स नहीं मिल जाता वो मिस्टेक्स है आपकी। और ये भी सेम है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है वो देखिए, कि एनोडिक एंड कैथोडिक रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, सो राइट ओनली इक्वेशंस, नो नीड टू राइट देयर डायग्राम और एनी अदर थिंग्स, केमिकल काइनेटिक्स, सो इट इज अ सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस डिफरेंस, दिज आर द टू क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, अगेन सो मेनी क्वेश्चंस, दिस इज अ फिक्स्ड क्वेश्चंस, that is a derivations up to find out the equation number 1 carry 1 marks and put the values of that 1 marks and finally write the expressions 1 marks and this is so many times as the questions, that's why I am here say this is a fixed question, examination mein aata hai question, aapko likhna hai ye questions, aapko byhat bhi karna hai likh karna. Next, this is also same question is different but mechanism means स्कीम ऑफ एवोल्यूशन इज सेम। उसके बाद में आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए भी इसी है, आपको दो मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, यहाँ तक आपको एक मार्क्स मिलेगा, यहाँ तक एक मार्क्स, या तीन मार्क्स के लिए पूछा गया तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, और थोड़ा सा अगर कुछ चेंजेस करके दिया तो चेंजेस करके लिखना पड़ेगा। शो दैट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से फर्स्ट ऑर्डरेशन के लिए इंडिपेंडेंट है वो बताना है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन, वन मार्क्स प्लस वन मार्क्स। नाउ नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट ऑन द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज ई ए, ई ए के लिए किस तरीके से आप उसको बताएंगे, डायग्राम्स वगैरह ये आपको बताना है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस द रिएक्शंस कोऑर्डिनेट, रिएक्शंस कोऑर्डिनेट्स विदाउट कैटलिस्ट हियर एंड विथ कैटलिस्ट हियर, मींस विथ कैटलिस्ट एंड विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट इज टेक्स अ टाइम, दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी, विथ कैटलिस्ट इज टेक अ लेस टाइम एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म इन दिस वे। नेक्स्ट सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री में देर आर ऑल्सो सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देर इज अ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, देन फ्यूजस पार्शंस एंड केमिस्ट पार्शन, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड दोबारा से मैंने बोलूँगा कि लायोफिबिक और ये दो डिफरेंस पूछा है तो आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये दो डिफरेंस इधर से होते हैं और इधर से भी दो डिफरेंस होते हैं, ब्रोमिनिन मोमेंट, हार्डी स्कल्ज रूल, यहाँ पर जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, यहाँ पे एलिमेंट
इनऑर्गेनिक का जो पोर्शन होता है, ये पोर्शंस में आपको रिक्वायर्ड नेसेसरी क्या है, ये नेसेसरी क्या है उसमें, कि स्टाइकोमेट्रिक जो बैलेंस है या स्टाइकोमेट्रिक जो इक्वेशंस जब लिखते हैं हम, तो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना ज़रूरी 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 है। बैलेंस इक्वेशंस के लिए क्यों ज़रूरी है, अगर आप बैलेंस इक्वेशंस नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपलसरी किया गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक आध बार छूट मिल सकती है, लेकिन नहीं मिलती, बोल रहा मैं आपको, वहाँ पे भी छूट नहीं है, वो भी मिस्टेक ही है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मिस्टेक्स के लिए मार्क्स काटे जाते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस्ड इक्वेशंस लिखना ज़रूरी है इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्या बैलेंस है, जैसे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, ये 3 moles लिखना ज़रूरी है, 2 moles लिखना ज़रूरी है, ये 2 moles लिखना ज़रूरी है, 2 moles लिखना ज़रूरी है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये इक्वेशंस देख लीजिए, ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में भी हैं, नए कहीं मिस्टेक्स इसमें नहीं होते, इसलिए मैं आपको वो ज़्यादातर नहीं बता रहा। यहाँ पे देखो डिफरेंट, ये ब्लास्ट फर्नेस का क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, राइट द केमिकल रिएक्शन विच इज इन्वॉल्व इन द ब्लास्ट फर्नेस, राइट ओनली केमिकल रिएक्शन, नो नीड टू राइट द डायग्राम, डायग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, अगर डिस्क्राइब बोले तो डायग्राम लिखने की जरूरत है। तो आप यहाँ करेंगे कम्बशन जोन है, रिडक्शन जोन है, स्लैक जोन है, इसके रिएक्शन लिखेंगे बैलेंस्ड, इट गॉट 1 marks, 1 marks, 1 marks, 3 marks। अब यहाँ पे देखो लेबल डायग्राम है, लेबल डायग्राम निकालना जरूरी है विद द एक्सप्लेनेशंस, विद द डिस्क्रिप्शंस। डिस्क्रिप्शंस क्या है, ये वाला एनोड की रिएक्शंस, कैथोड की रिएक्शंस, और ये डायग्राम थोड़ा इधर हटो मैं, देखिए ये डायग्राम्स हैं, आपको इस तरीके से आप लिखेंगे डायग्राम्स, और यहाँ पे एनोड और कैथोड, देखो एनोड के ऊपर जो रिएक्शंस हो रही है, कैथोड के ऊपर जो रिएक्शंस हो रही है, इट गॉट्स 1 marks, 1 plus 1, एंड डायग्राम गेट 1 marks, 3 marks क्वेश्चंस। सो पी ब्लॉक एलिमेंट दैट इज 3 questions, दैट 1 questions आउट ऑफ 3 questions, दैट इज 1 is a Haber's process, एंड हियर सीरियसली सी द questions, व्हाट आर द questions फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया by Haber's process, write the flow chart and the chemical equation now, and optimum condition, understand what is my the optimum condition, this is the optimum condition, what, 700 kelvin temperature, 200 atmospheric pressure, and iron oxide as a catalyst, this is the condition. If we don't write the examinations, we deduced 1 marks. 3 questions आते हैं इसके ऊपर, पी ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर, तीनों के तीनों ऐसे ही पूछे जाते हैं कि ऑप्टिमम कंडीशन लिखिए, या रिक्वायर्ड कंडीशन लिखिए, या राइट द कंडीशंस विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। किस तरीके से भी क्वेश्चंस को जरा आगे पीछे तोड़ मरोड़ के अगर पूछा गया तो भी आपको समझना चाहिए, कंडीशन मीन्स वॉट टेम्परेचर, कंडीशन मीन्स वॉट प्रेशर, कंडीशन मीन्स वॉट कैटलिस्ट। सो दिस थिंग्स वी नो, but in examinations we should write there. If you don't write, agar hum nahi likhenge to hamare 1 marks katenge, aakar bhi answers aakar bhi nahi likhenge to mushkil ho jata hai, kyunki questions ko aap nahi samjhe, questions ko agar aap nahi samjhenge bahut bada nuksan hoga, 1 mark chale jayega khama khame, kyunki aapko marks kitne aa rahe hain, 1 marks, aur 1 marks ke liye aapko answers aate hua bhi nahi likh rahe, kyunki aap questions ko nahi samjhe, isliye aapko samajhna hai। तो ये तीनों कंडीशन वाले क्वेश्चन आते हैं, 1 by 1 देखिए, यहाँ पर भी देखिए, मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस, केमिकल इक्वेशन विथ कंडीशन, देखो कंडीशन आया, कंडीशन में से आना प्लैटिनम, ये सभी यहाँ पर भी देखिए, ऑप्टिमम कंडीशन आना, एपीवी V2O5 720, 2 bar प्रेशर एंड कैटलिस्ट, अगर आप नहीं लिखेंगे तो 1 marks कट। तो स्टेप बाय स्टेप है, अगर 2 steps हैं कंडीशंस को 1 marks, 2 steps के 1 marks, 1 plus 1, 3 marks, लाइक दैट वी गॉट द 3 marks इफ यू राइट करेक्टली। अगर आप सही लिखेंगे तो आपको 3 marks मिलेंगे, और वो फिक्स क्वेश्चन में आता है, इसलिए इसको स्किप नहीं करना है। नाउ द चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, देयर रीजन बेस्ड क्वेश्चंस,
यही क्वेश्चन आते नहीं है. दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन विल आस्क इन द एग्जामिनेशन. एग्जाम में इस तरीका के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करें, जिसमें से पहला रीजंस लिखा गया है एक मार्क्स के लिए, दूसरा रीजंस दो मार्क्स के लिखा गया है. विथ एग्जाम्पल लिखेंगे तो एक मार्क्स प्लस एक मार्क्स मिलेगा. अब ये जो है डाइक्रोमेट का, यहाँ पर भी आपको इनऑर्गेनिक में ये वाला कंडीशंस इंपॉर्टेंट है. ये वाला कंडीशंस क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो आपको टू मार्क्स के लिए लिखना है. टू मार्क्स के लिए क्या करना है, लिखना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस. अगर आप नहीं लिखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस तो आपके लिए क्या है, नुकसान है, आपको वन मार्क्स काटे जाता है. टॉपर स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पर बारकाई से आपको कहाँ पे गलती होती है, दोबारा से दो या तीन बार पेपर चेक किया जाता है. आपके 70 आउट ऑफ 70 आ रहे हैं तो वो आपके ही होना चाहिए. आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं जो आपको अच्छी तरीके से पता है, तो इसलिए आपको बहुत तरीके से जांचा जाता है. इसलिए आप क्या करेंगे, सही क्वेश्चंस उसके आंसर्स लिखने के बाद में देखते जाएंगे. देख नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज अ पोटेशियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम MnO2 मैगनीज डाइऑक्साइड. राइट द इक्वेशन विच इज इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन. सो हियर सी द इक्वेशंस. सो वन इक्वेशंस गॉट वन मार्क्स एंड टू क्वेश्चंस आर देयर, दे कैरी थ्री मार्क्स. 3 + 3 = 6. आउट ऑफ दिस टू क्वेश्चंस ओनली वन आस्क इन द एग्जामिनेशंस, सो वी गॉट द 3 marks. नेक्स्ट है चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड. कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड जिसमें आपको 2 marks के लिए क्वेश्चन आता है. राइट द पॉस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी. अगर 3 marks के लिए पॉस्टुलेट्स, अगर 3 marks के लिए पूछा तो 3 marks के, 3 लिखिए, 2 marks के लिए पूछा तो 2 marks लिख सकते हैं. अब ये वाला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, लाइक ए फिक्स क्वेश्चन, लाइक ए फिक्स क्वेश्चन. इसमें से आपको 4 आते हैं, 4 यानी कि अभी हम डिस्कस करेंगे, 4 है अपने पास. उसमें से आपको लिखना है एक, एनी वन. तो इसमें क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है बच्चों की, वो देखिए. ओनली हाइब्रिडाइजेशन लिख के छोड़ देते, यानी कि D2SP3 है या SP3 है या और भी SP है या SP, यानी कि इसमें वो वाला नहीं है SP वाला, तो भी मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल. ओनली हाइब्रिडाइजेशन लिखो बोले तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं, आपको ये स्टार्टिंग से लिखना है, बॉक्स डायग्राम से लिखते ही आना है. हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे आप, ज्योमेट्री लिखेंगे आप, उसके बाद में आपको पैरामेट्रिक बिहेवियर भी लिखेंगे. ये तीनों लिखेंगे विथ एक्सप्लेनेशंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. जिसमें से बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन्स कहाँ होता है, ये वाला कि लिगेंड्स की जो वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे आप लिगेंड्स हमारे लिए कौन सा है, ये COF6 है. तो यहाँ पे देखो फ्लोराइड लिगेंड्स के एक एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, 2, 2, 2, 4, यानी कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन. 6 × 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या होंगे, एक्यूपाई हो रही. ये समझ में नहीं आता बच्चों को, सिर्फ ये लिख देते हैं बच्चे. क्या लिखते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, उसकी ज्योमेट्री और ऑक्टेट्रल ज्योमेट्री लिखे तो मार्क्स नहीं मिलते. क्वेश्चन आता है वैसा ही, यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इतना ही लिखे तो खाली ज्योमेट्री बोलते साथ ही ज्योमेट्री लिखना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोलते पैरामैग्नेटिक लिखना, ऐसा नहीं चलता. शेप लिखो बोले तो ऑक्टेट्रल शेप लिखे तो नहीं चलता. पूरा एक्सप्लेनेशन देना है तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. जैसे कि आप दूसरा एग्जांपल आ रहा है आप हमारे सामने CONH3 6, यानी कि यहाँ पे भी 6 लिगैंड नहीं, 6 लिगैंड के 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे ऑक्यूपाई होंगे. यहाँ पर देखिए D2SP3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, डायमेग्नेटिक उसकी प्रॉपर्टी होंगे, और ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टेहाइड्रल ज्योमेट्री है. ज्योमेट्री क्या है उसकी, ऑक्टेहाइड्रल ज्योमेट्री है. लास्ट वाला ही इतना लिखकर नहीं काम चलता, पूरा लिखेंगे वन मार्क्स. ये नेक्स्ट क्वेश्चन 4th वाला सेम है. ये 4 questions, ये 5वां question, ये 5 में से आपको एक questions, दोबारा बोल रहा हूँ, ये 5 में से एक questions एग्जाम में 100% आएगा. तो इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट ईयर एक पूछा था, इस साल ये पूछा था, हम और चेंज कर लेंगे, नहीं, 5 के 5 questions आप याद रखेंगे. नेक्स्ट है होमोलिप्टिक एंड हेटरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, लिंकेज आयनाइजेशन, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप देख लेंगे. हेलोकेंस एंड हेलोरिंस में क्या मिस्टेक्स होती है, ये पहले क्वेश्चन में
तो पहली मिस्टेक से होती है बच्चों की, एक्सप्लेन एसएन वन मैकेनिज्म पूछा, एसएन टू लिख देते हैं, एसएन टू पूछा, एसएन वन लिख देते हैं, ये मिस्टेक हो गई, पूरे मार्क्स चले गए। ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी कमजोर पढ़ाई की वजह से, आप सही नहीं पढ़ने की वजह से, सही नहीं पढ़ने की वजह से हो रहा है। तो इसको आप सही पढ़ेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन अगर एक बार याद नहीं हो रहा था, दो बार तीन बार याद करेंगे, तभी आपको पॉसिबिलिटीज होंगी कि आप मिस्टेक्स कम होते जाएंगे। तो हम यहाँ पे ये पहली मिस्टेक्स का मैं बताया, खुलासा बताया मैं आपको। दूसरी मिस्टेक क्या है उसकी, ये जो प्लस चार्ज है और ये बीआर के ऊपर माइनस चार्ज है, दोनों के बीच में प्लस, ये कतई बच्चे ऐड नहीं करते जिसके एक मार्क्स कट होते हैं। तो याद रखिए बच्चों कि ये जो कार्बोकैटायन यहाँ हम बना रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो लिखना जरूरी है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, अगर आप नहीं लिखेंगे एक मार्क्स कट। फिर ये OH माइनस, ये यहाँ भी नहीं लिखे, यहाँ भी नहीं लिखे, तो एक मार्क्स कट। जहाँ कि आपको दो मार्क्स का इक्वेशंस अगर लिखना है हमारे को, राइट द ओनली इक्वेशंस बोले तो मैकेनिज्म बोले तो दो मार्क्स, अगर पूरा एक्सप्लेनेशन करो बोले तो तीन मार्क्स, ऐसा एक्सप्लेनेशन वन मैकेनिज्म बोले तो तीन मार्क्स, राइट ओनली मैकेनिज्म बोले तो फर्स्ट और सेकेंड लिखेंगे तो दो मार्क्स मिलेंगे आपको, कितने दो मार्क्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्कीमा फैलेशन समझ में आ रहा है सबको कि SN1 SN2 में, SN1 में आपको राइट द मैकेनिज्म बोले तो तीन मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, सो राइट द मैकेनिज्म यानी कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म बोले तो तीन मार्क्स, अगर आपको राइट द स्टेप्स विच इज इन्वॉल्व इन SN1 रिएक्शन 1 and 2 मार्क्स। SN2 आ गया वैसे ही सेम, यहाँ पे भी मिस्टेक, अब यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हैं आपको मैं बता रहा हूँ, ये OH डेल्टा माइनस आना चाहिए, ये कार्बन डेल्टा माइनस आना चाहिए, यहाँ पर ये माइनस नहीं आया है, आप उसको माइनस करेंगे। और एक यहाँ पे बच्चे मिस्टेक्स कर रहे हैं, ये तीन हाइड्रोजन जो दिखाई दे रहे हैं हमको, ये यहाँ से थोड़ा सा ये हो गया है, ये तीन हाइड्रोजन में से क्या कर रहे हैं बच्चे, जब भी प्रोडक्ट निकालें तीनों क्लोरीन लिख देते हैं, या नहीं तो ये तीनों हाइड्रोजन लिख देते हैं, दिस इज अ वेरी ब्लंडर मिस्टेक्स इन एग्जामिनेशंस, ये मेरा तजुर्बा बता रहा है, क्योंकि बच्चे जब पेपर वैल्यूशंस रीवैल्यूशन डालते हैं, जब उनका पेपर लाया जाता है कॉन्फिडेंटली वो बोलते हैं कि हमारा तो आंसर सही है सर, तो जब मैं उनके सामने बताता हूँ कि ये मिस्टेक है तुम्हारी बोलते, जब उन्हों ये बोल देते हैं वाह बहुत बेकार हो सर, तो ये आपसे नहीं होना है, आप वो गलती करने से बच्चों में से एक नहीं है, आप वो जो गलती करें उसे सीखना है, सीख कर क्या करेंगे, ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे हम कि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बदले में ना सी एस थ्री लिखेंगे, लिखना नहीं है, बार बार बोलूं मैं सी एस थ्री लिखना नहीं है, जब प्रोडक्ट में आता है ये एक यहाँ पर आपको सी एल है या बी आर आता है यहाँ पे कट हो गया, सी एल अगर है तो ये सी एल यहाँ पे लिख देते बच्चे हर जगह, ये भी मिस्टेक्स है, ये यहाँ पे एक सी एल आ देखिए ओ एच ओ एच डेल्टा माइनस सी एल डेल्टा माइनस, ओके ये वन मार्क्स के क्वेश्चन है। और एक बात बताना चाह रहा हूं यहां पे, फिंकलेस्टीन और स्वार्ट्स ये दोनों इक्वेशंस में भी कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि दोनों भी क्या है हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है, यानी कि उसमें से सिर्फ हैलोजन एक्सचेंज होता है, जैसा कि आपको यहां देख रहे आयोडीन एक्सचेंज हो रहा है क्लोरीन से, देखिए यहां आयोडीन आ गया यहां पे इधर आए, फिर उसमें क्या होता है स्वार्ट्स में क्या होता है फ्लोरीन एक्सचेंज होता है क्लोरीन से। तो यहां पर आपको एक ट्रिक याद रखना है, जिसके नाम में फ्लोरीन है, देखो जिसके नाम में फ्लोरीन है उसमें फ्लोरीन नहीं आता, मींस फ्लोरीन दे डू नॉट एक्सचेंज, फ्लोरीन यहां पे एक्सचेंज नहीं होता है, हियर सोडियम इन ड्राई एसीटोन, एक्चुअली सोडियम इन ड्राई एसीटोन आना चाहिए, सिर्फ एसीटोन लिखा गया है, फिंकलेस्टीन सोडियम इन ड्राई एसीटोन आता है, इसमें भी सोडियम इन ड्राई एसीटोन, स्वार्ट्स यानी कि मैं क्या बोलूं, देखो याद रखने के लिए मेमोराइज करने के लिए, जिसमें फिंकलेस्टीन है उसमें फ्लोरीन एक्सचेंज नहीं होता, देखो फ्लोरीन एक्सचेंज नहीं हो रहा, फ्लोरीन एक्सचेंज नहीं हुआ यहाँ पे फिंकलेस्टीन, और जिसमें स्वार्ट्स है उसके अपोजिट में फ्लोरीन एक्सचेंज होता है, मींस इन स्वार्ट्स फ्लोराइड इज फॉर्म, इन फिंकलेस्टीन देयर इज आयोडाइड इज फॉर्म, दैट इज मिथाइल आयोडाइड, एंड दिस टू इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेनी टाइम्स इन एग्जामिनेशंस दे आस्क द क्वेश्चंस फॉर टू मार्क्स क्वेश्चन एंड स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड एंड व्हाट इज द कंफ्यूजन, दैट इज if the examination asks the question Finkelstein, they write the Swartz, and if they write the Swartz, it is very badly answers and they got the zero marks. Okay. Next have Fittig, Woods Fittig, and another Fittig, Woods Fittig, and Woods. ये तीनों में भी confusion होता है बच्चों को, देखिए Woods reaction
क्लियरली सुन लीजिए, ऊर्ज रिएक्शंस हायर एल्केन फॉर्म होता है, ऊर्ज रिएक्शंस हायर एल्केन फॉर्म होता है। फिटिक रिएक्शंस, फिटिक मीन्स फिट, द टू स्ट्रक्चर्स दे आर फिट, एंड ऊर्ज फिटिक द टू स्ट्रक्चर्स आर अगेन फिट। सो हियर सी द रिएक्शंस, दैट इज द फिटिक रिएक्शंस। सी, वन इज एरोमेटिक कंपाउंड विथ सोडियम, मीन्स बायफिनिल इज देर इज फॉर्म और डायफिनिल इज फॉर्म। सो दिस इज द फिटिक, यानी कि दो स्ट्रक्चर क्या हो गए, फिट एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक प्लस एलिफेटिक ले रहे हैं हम, दैट इज ऊर्ज फिटिक, दिस इज एरोमेटिक एंड दिस इज एलिफेटिक, इसको हम ले लें साथ में तो क्या होगा, ये ऊर्ज फिटिक रिएक्शन क्या होगा, ऊर्ज फिटिक, दैट इज एलिफेटिक मीन्स अल्काइल हैलाइड्स हैलोल्केन्स कंपाउंड, हैलो अल्केन्स कंपाउंड, दिस इज हैलोरिन्स कंपाउंड, बोथ दे गेट टूगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, देर इज फॉर्मेशन ऑफ टोलिन, देर इज फॉर्मेशन ऑफ टोलिन, हियर इज अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन। तो इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है, ये तीनों में कन्फ्यूजन होता है। तो याद रखो, ऊर्ज मीन्स हायर एल्केन फॉर्म, फिटिक मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड दे कम टूगेदर, ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म बायफिनिल। अब ये समझ में आया, सो वन इज एरोमेटिक कंपाउंड, वन इज एलिफेटिक कंपाउंड, हैलोल्केन्स एंड हैलोरिन्स। अब बोथ दे आर रिएक्ट, हैलोल्केन्स एंड हैलोरिन्स बोथ दे आर रिएक्ट एंड दे फॉर्म द फॉर्म्ड कंपाउंड इज कॉल्ड वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट है अल्कोहल फेनॉल्स एंड इथर, हियर ऑल्सो मेड मिस्टेक्स इन द मैकेनिज्म, सो दैट देर इज चार्ज ऑन द ऑक्सीजन आइटम, ऑक्सीजन गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज, हियर ऑल्सो सेम वाट एवर द मिस्टेक्स इन दैट प्रीवियस मैकेनिज्म, दैट ऑल्सो मिस्टेक हियर ऑल्सो स्टूडेंट्स आर डन, सो वी डिडंट डन, दैट इज द मिस्टेक्स इन द एग्जामिनेशन। आपको एग्जाम में ये मिस्टेक्स करना नहीं है, चार्जेस इसके लिखना है आपको, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, एच प्लस ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, या हाइड्रोजन यहाँ पे कट हो गया, देखो हाइड्रोजन लिखना है आपको, यहाँ सभी पे एच प्लस लिखना है, अगर एच प्लस नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स कटेंगे। ये ओ एच टू है या एच टू है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेरा इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, ये सभी आपको छोटी छोटी बातें आपको मैं बोल रहा हूँ जो आपको एग्जाम में मिस्टेक्स होती हैं। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ देखा जा रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो मास कटेंगे, ये कार्बन में पॉजिटिव कार्बो कैटायन, देन न्यूक्लियोफाइलिक अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द ऑक्सीजन आइटम, क्या करते हैं बच्चे यहाँ पे मिस्टेक्स देखो, हाइड्रोजन से अटैक कर देते हैं, वी गॉट द जीरो मार्क्स, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है H2 पहले लिखे सो है, हाइड्रोजन लगा देते हैं पहले, सो अटैकिंग साइट न्यूक्लियोफिलिक अटैक और न्यूक्लियोफाइल इज ओनली ऑन द ऑक्सीजन आइटम, तो ऑक्सीजन से अटैक करना जरूरी है। तो यहाँ पे जो मिस्टेक्स होती है, कॉमन मिस्टेक में बताया आपको, हाइड्रोजन से अटैक करते हैं बच्चे, ये नहीं करेंगे, ऑक्सीजन से अटैक करेंगे। और ये दो क्वेश्चंस में से कन्फ्यूजन्स होके अगर इथिन टू इथेनॉल पूछा है तो इथेनॉल टू इथिन लिख देते हैं, तो उसमें आपको हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन में कन्फ्यूजन्स नहीं करना है। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जैसे कि हम पहले इसमें देखेंगे, यहाँ पर ये डिहाइड्रेशन का है, देखिए यहाँ पर H2O रिमूव होता है और यहाँ पर देखेंगे आपको H2O ऐड हो रहा है, तो दोनों में फर्क है। हाइड्रेशन मीन्स वॉट, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सो बोथ आर द मैकेनिज्म इज एग्जैक्टली रिवर्स एंड दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टेप्स, ओके ना। नेक्स्ट इज अ रिवर टीमन रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यूली एस्क ऑन द 2 marks इन द एग्जामिनेशन, सो हियर ऑल्सो 2 marks इन द एग्जामिनेशन। सो हियर मिस्टेक्स इज वॉट, हियर सैलिसिलिक एसिड OHCOH एंड हियर इज OHCHO, ये दोनों में कन्फ्यूज होता है बच्चों को, ये देखिए OHCHO सैलिसिलाल्डिहाइड, OHCOH अगर यहाँ पे एल्डिहाइड के ग्रुप के बदले में कार्बोक्सिलिक का ग्रुप अगर आया तो सैलिसिलिक एसिड होती है, तो ये कन्फ्यूजन है बच्चों को कि ये सैलिसिलाल्डिहाइड है और यहाँ देखो ये सैलिसिलिक एसिड है, सो OH और COH और OH और CHO ये दोनों में फर्क है, तो OH और CHO means salicylaldehyde and OH and COH means salicylic acid, so they are confused, ये नाम वहां पे लिख देते हैं बच्चे, इसका नाम उसको जाता है, उसका नाम इसको जाता है, deduce 1 marks।
नेक्स्ट है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस. सो इन द विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस वी कैन प्रिपेयर बाय यूजिंग दिस प्रोसेस प्रिपेयर द ईथर, दैट इज द इथिल मिथिल ईथर. नाउ नेक्स्ट इज द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन. सो द सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस विच इज आस्क इन द एग्जामिनेशंस, दैट इज अ रोजेनवुड रिडक्शन रिएक्शन. देर इज अ रिडक्शन इज ऑकर एंड हियर एक्सप्लेन गैटरमैन कोच रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3. सो हियर फॉर्मेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड, हियर CHO, हियर CHO इज देयर एंड हियर ऑल्सो CHO, बेंजाल्डिहाइड बेंजाइलाइड एंड बाय प्रोडक्ट इज फॉर्म. ओके, सो नेक्स्ट इज द क्लेमेंसन रिडक्शंस, हियर इन द जिंक एंड अमालगम मर्क्यूरी मर्क्यूरी. सो देर इज फॉर्मेशन ऑफ द मिथेन. एंड नेक्स्ट इज अ कैनिजारो रिएक्शंस, कैनिजारो रिएक्शंस, देर इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फॉर्मेट. एंड हियर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस, वी कैन रिमेंबर द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज अ डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट. इफ सपोज गलती से ऐसा हुआ कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट का नाम बोलिए, तो आप यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से लिखना जरूरी है. नेक्स्ट इज वन ऑफ द मैकेनिज्म, हियर ऑल्सो दिस इज अ HCN, OH माइनस, सम वर्ड्स आर कट हियर, HCN एंड OH माइनस आयन, दिस इज अ साइनाइड एंड दिस इज द साइनाइड एंड दिस इज अ O माइनस, CN माइनस, दिस इज द H2O एंड हियर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट एंड दिस इज अ साइनोहाइड्रिन, हियर साइनाइड एंड OH माइनस आयन. सो देर इज विदाउट कट, आई ऑलरेडी दिस पेपर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, दैट इज अनदर नेम इज अमाइन्स ऑल्सो. देर इज सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, कार्बिल अमाइन रिएक्शन इज देयर, हॉपमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस. सो दिस इज कॉमनली द स्टूडेंट्स फॉर रिमेंबर पर्पस, यहाँ पर मैं उनको बच्चों को समझाने के लिए बोलता हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ मैं, इसको याद रखना. हैप्पी बर्थडे रिएक्शंस बोलेंगे आप इसको, हम हैप्पी बोले तो हॉपमन बर्थडे का ब्रोमाइड डिग्रेडेशंस डे का डिग्रेडेशंस. तो यहाँ पर आपको एक बेंजामाइड में अमाइड का डिग्रेडेशंस हो को एनिलिन फॉर्मेशन हो रहा है. नेक्स्ट जो आता है हैवर्स स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज माल्टोज एंड अनदर इज द ग्लूकोज पायरानोज. दिस फोर स्ट्रक्चर आर इंपॉर्टेंट. वन स्ट्रक्चर्स, एक स्ट्रक्चर्स के लिए दो मार्क्स हैं. अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देंगे तो आपको मार्क्स जीरो मिलते हैं. वजह, अगर ये OH नीचे लिखें तो मार्क्स आपके गलत हो गए. तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है, देखिए अगर ये OH में मिस्टेक्स हो रही है तो क्या करनी है आप, तो उसके लिए आप एक ऐसा वाला एंगल बना के रख लेना अपने पास, जिससे क्या होगा OH आप यहां पर लिखेंगे, फिर दूसरा OH यहां पर लिखेंगे और तीसरा OH यहां पर. देखिए आप इसको वैसे आ रहा नहीं, देखिए ये ऐसा आ गया, फिर दूसरे के लिए भी ऐसा, ये देखिए इसके लिए भी आप दिस इज द दिस स्ट्रक्चर इज अ गैलेक्टोज. One is a galactose and one is a glucose unit. Glucose unit. वहाँ पर आपको use होगा. What are the essential and the non-essential amine? What are the essential and non-essential amino acids? Give an example. And some they are reducing sugars, non-reducing sugars. ये एक मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये एक मार्क्स के क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है. विच मोनोमर इज प्रेजेंट इन पॉलीविनिल क्लोराइड, वी राइट देयर आंसर विनाइल क्लोराइड. विनाइल क्लोराइड, ये विनाइल क्लोराइड भी अगर आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाता है आपको. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ, दो मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है. बुना एस बुना एन, ये दोनों प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर परोक्साइड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट टू फॉर्म द नियोप्रिन
अगर आप परऑक्साइड कैटलिस्ट यहाँ पर नहीं लिखेंगे या किसी भी रिएक्शन में आप कैटलिस्ट बेस्ड जो रिएक्शन से नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट होते हैं, याद रखिए। ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स लास्ट वाला केमिस्ट्री मिडिल चैप्टर्स आपको, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, इसमें कहीं ज़्यादातर मिस्टेक्स वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक्स हो सकती है आपके बच्चों से, एनायनिक डिटर्जेंट्स और कैटायनिक डिटर्जेंट्स वाली मिस्टेक्स हो जाती है। तो ये जो क्वेश्चन बैंक्स हैं, इसके बाद में लास्ट वाला में ये क्वेश्चन बैंक्स आपको डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में मौजूद है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चंस हैं। यहाँ से थोड़ा सा मैं खुलासा कर रहा हूँ, देखिए इसका मतलब क्या है। ये 27 ओल्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न, खाली क्वेश्चन पेपर पैटर्न इस साल चेंज हो गया है, सिर्फ आप इस साल के बच्चों के लिए है। ये लास्ट के जो 10 क्वेश्चन पेपर निकालेंगे आप, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 में ही पूछा जाएगा ये चैप्टर पे क्वेश्चंस 7 मार्क्स के लिए। तो इसलिए जैसे का वैसा मैं चेंज करके वैसे रखा हूँ, तो आपको थोड़ा सा हेल्प होंगी ये क्वेश्चन बैंक्स देखकर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में कुछ फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं जो बिलो एवरेज वाले बच्चे हैं वो उनके लिए है। बिलो एवरेज वाले बच्चे हैं, किसी वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हो सकी, कोविड में नहीं आ सके, कोविड के सर्कमटेंस बहुत ही बेकार अच्छे नहीं थे, वो जो हालात थे वो हालात में बच्चा नहीं पढ़ सका, नहीं आया, किसी वजह से उसको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम हो गए, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, वैसे वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चंस हैं। ये आपको बिल्कुल इतने क्वेश्चंस करेंगे तो यहाँ पे मैं टोटल भी लिखा हूँ 26 मार्क्स। हमारे को 50 मार्क्स लेना नहीं है, हमारे को लेना कितने हैं पास होने के लिए 21। वैसे बच्चों के लिए ये कारगर साबित हो सकता है, इसलिए मैं मेरे एक्सपीरियंस से लिखा हूँ। कोई हमारे को बोर्ड ऐसा डायरेक्टेड नहीं कहा कि यही क्वेश्चन आते हैं बोल के, तो ये मेरा एक्सपीरियंस आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ये 3 एफिशिएंसी से एनी वन फ्रॉम अबो 3 क्वेश्चन ये करना, ये 4 जो प्रॉपर्टीज हैं आपके, उसमें से 4 प्रॉपर्टी के ऊपर से किसी भी एक प्रॉपर्टी के ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल आता है फिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ये 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन रहेगा, एक ही क्वेश्चन लिखना है हमारे को। ये 3 में से आपको एक लिखना है, ये 2 में से एक लिखना है, ये 4 में से एक लिखना है, ये 2 रिएक्शन में से एक रिएक्शन लिखनी है, ये 2 क्वेश्चन में से एक लिखना है, और ये 4 स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में लिखेंगे। गॉट द 26 मार्क्स एग्जैक्टली। अगर मैं ये बोलूँगा तो बहुत बड़ा ये नहीं होगा कि आपको आज ही पेपर मिले जैसा है, कि ये क्वेश्चन मैं आप बता रहा हूँ कि आज के तारीख में आएंगे तो आप उसको तैयारी अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको क्या बिल्कुल 100% फायदा ज़रूर होगा। ये वेबिनार से आपको फ़ायदा हुआ ऐसा समझता हूँ, और कल हम दूसरा वेबिनार भी करने वाले हैं जो है आपका एनुअल एग्ज़ाम का मॉडल पेपर जो पीयू बोर्ड ने दिया है, उसका मैं कल सॉल्यूशंस करूंगा। और ये वेबिनार के लिए मुझे चांस या उसके पीछे हमारे मैनेजमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे सेक्रेटरी साहब मोहम्मद आसिफुद्दीन सर और जॉइंट सेक्रेटरी साहब सलाउद्दीन फरहान, इनका थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकेंड पीयूसी एग्ज़ाम 2022।